बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग आज के लेक्चर में हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस डिस्कस करेंगे जैसा कि आपको क्लियर है कि अकाउंटिंग स्टार्ट होती है ट्रांजेक्शन से यानी अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस इवेंट से स्टार्ट होता है फिर आप सेकेंड स्टेज पे जर्नलाइजिंग करते हैं जर्न जर्नल एंट्रीज पास करते हैं जर्नल बुक बनाते हैं यानी जिसे आप रिकॉर्डिंग स्टेज कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है क्लासिफिकेशन की जिसे हम लेजर अकाउंट्स कहेंगे यानी टी अकाउंट्स लेजर पोस्टिंग स्टेज ये होगी हमारे पास थर्ड स्टेज पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल करते हैं और ट्रायल के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो ये अकाउंटिंग साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस हैं और लास्ट क्लोजिंग एंट्रीज पे जाके अकाउंटिंग साइकिल को हम क्लोज करते हैं तो जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें ये क्लियर करना जरूरी है कि बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जैसे आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं अकाउंट्स को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं यानी कि डेबिट कौन सा अकाउंट करूं मैं क्रेडिट कौन सा अकाउंट करूं क्या अमाउंट होना चाहिए और आप जनरल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं और बुक प्रिपेयर कर रहे होते हैं बुक रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो ये है बुक कीपिंग स्टेज बुक कीपिंग जस्ट क्लैरिकल साइड है अकाउंटिंग की यानी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बुक कीपिंग से लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बुक कीपिंग नहीं है जब आप बुक कीपिंग कर लेते हैं तो अकाउंटिंग आपको जब बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाती है तो अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है आपको डिसीजन मेकिंग में एज अ मैनेजर एज अ स्टेक होल्डर एज अ शेयर होल्डर एज अ ओनर तो आज का टॉपिक हमारा इन दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा कि बुक कीपिंग क्या है अकाउंटिंग क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग वी ऑफन यूज द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इंटरचेंजेबली हाउ एवर बुक कीपिंग इज एक्चुअली जस्ट वन पार्ट आर क्लैरिकल साइड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस Which deals with the recording of transactions. So let us learn about bookkeeping and its difference with accounting. तो हम ये क्लियर कर रहे हैं कि bookkeeping और accounting अगर difference देखा जाए तो bookkeeping एक accounting की clerical side है, यानी जब आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बुक्स प्रिपेयर करनी होती हैं आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और रिकॉर्ड कीपिंग के बाद आप क्लासिफिकेशन करेंगे लेजर अकाउंट बनाएंगे पोस्टिंग कर लेंगे तो जब रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है तो इसे आप बुक कीपिंग कहते हैं बुक कीपिंग जरूरी नहीं है कि जो बुक कीपर हो वो अकाउंटेंट भी हो एक लेमैन कह सकते हैं एक मैट्रिक मेट्रिकुलेट पर्सन इजीली बुक कीपिंग कर सकता है तो बुक कीपिंग में जस्ट आप ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स का पार्ट बनाते हैं और जब इस बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स को या बुक कीपिंग प्रोसेस को बुक कीपिंग आउटपुट को आप डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे इंटरप्रिटेशन करेंगे या आपको यही बुक कीपिंग ही इंटरप्रिटेशन uh, में आपको एनालिसिस में आपको हेल्प आउट करे डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करे तो अब आप कहेंगे कि हम अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं होती ये पॉइंट क्लियर रहे आपको बुककीपर जस्ट रिकॉर्ड करता है वो अकाउंट कर रहा होता है वो प्लस माइनस आपके के स्टेप्स फॉलो कर रहा होता है एक बुककीपर लेकिन जब हम अकाउंटिंग में जाते हैं तो अकाउंटिंग हमें डबल एंट्री सिस्टम की वो स्टेज दे देता है जहां हम जाके एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि बुक कीपिंग जस्ट क्लैरिकल साइड है अकाउंटिंग की अब अकाउंटिंग को हम डिफाइन कर लेते हैं जो हम प्रीवियसली uh, डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अब देखिए जब हम कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग स्टेज बुक कीपिंग है यहाँ बुक मेंटेन कर रहे हो आप जर्नल बुक कैश बुक सेल बुक परचेज बुक जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स होंगी उनकी रिकॉर्डिंग आप जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जर्नलाइज कर रहे हैं आप तो इसे आप बुक कीपिंग कह रहे हैं यहाँ बुक कीपिंग हो रही है

एप्लीकेबल हैं यूज़ होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होता है वो डबल एंट्री सिस्टम है जो आज के अगर आप कंडीशन में या टाइम में देखें डबल एंट्री सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं जो मॉडर्न अकाउंटेंसी है जो आप पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रेडिशनल है जो अब यूज़ नहीं होती जो सिर्फ गवर्नमेंटल यूनिट्स में डिपार्टमेंट्स में कुछ हद तक यूज़ होती है लेकिन मॉडर्न अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है जो कि गैप का प्रिंसिपल भी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा नेक्स्ट जाके हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसि बट इवन मेथड्स अदर देन व्हिच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल एनी मैनर आर एक्सेप्टेबल बुक कीपिंग सिस्टम आर प्रोसेस तो अब हम देख लेते हैं वट इज डबल एंट्री सिस्टम एंड वट इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम आप जो बुक कीपिंग कर रहे हैं यानी जर्नलाइजिंग कर रहे हैं आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं यहां हर एक ट्रांजेक्शन अगर डेबिट होगी तो उसका क्रेडिट अकाउंट भी आपको नजर आएगा इफेक्ट नजर आएगा जिसे हमने कहा डुअल आस्पेक्ट अब सिंगल एंट्री सिस्टम में देख लें कि जब सिंगल एंट्री सिस्टम आप फॉलो करते हो तो आप या तो अकाउंट को सिर्फ डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे और ये नॉर्मली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं इसलिए उनकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो रही होती कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं किस लेवल पे हैं इनका आउटपुट क्या है इनके प्रॉफिट लॉसेस की सिचुएशन क्या है स्टेटमेंट्स नहीं बन पाती सिंगल एंट्री सिस्टम पर सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वे आर ओनली वन एंट्री इज मार्क फॉर आइदर आर डेबिट एंट्री आर क्रेडिट एंट्री फॉर द स्पेसिफिक ऑपरेशन For example, if a customer pays cash to the enterprise, either cash account will be credited or data account will be debited. One of the standout characteristics of single entry system is that it doesn't track assets and liabilities accounts, which makes it appear to be more like a checkbook register. This explains why the method is adopted by small business enterprises. जब आप एक एंट्रप्रीन्योर को देखते हैं एक प्रोप्राइटर को देखते हैं तो वो जस्ट बुक कीपिंग कर रहा होता है एक प्रोप्राइटर अगर वो डबल एंट्री सिस्टम को वो अगर वो अकाउंटिंग को अप्लाई करे अपने बिजनेस में तो उसे क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ क्या है लेकिन वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है या जस्ट बुक कीपिंग कर रहा है जहां अगर कैश रिसीव हुआ तो जस्ट डेबिट करेगा या उसने अगर पे किया तो जस्ट क्रेडिट करेगा डेबिट के लिए कोई अकाउंट नहीं रखेगा लाइबिलिटीज को एसेट्स को कोई वैल्यू नहीं दी जाती सिंगल एंट्री सिस्टम में जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं तो जो लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को फिर आपको फॉलो करना होता है जैसे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज

कि कैश अगर आपने रिसीव किया है तो डेबिट कर रहे हैं लेकिन किस पर्सन से रिसीव किया अकाउंट रिसीवेबल है अगर वो आपका कस्टमर है तो उसे भी आपको अगर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें तो फिर आपको एंट्री पास करनी पड़ जाती है कि कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट तो ये तो डबल एंट्री सिस्टम है लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं जो जैसे मैंने कहा गवर्नमेंटल यूनिट्स गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स तो वहाँ फिर आप देखते हो कि ऐसे इदारों की ऐसी ऑर्गनाइजेशन की फाइनेंशियल वर्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही होती पब्लिक नहीं होती तो ये तो हमने डिस्कस किया कि बुक कीपिंग का एक मेथड है सिंगल एंट्री सिस्टम यानी अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बुक कीपिंग ये हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि अकाउंटिंग जो है वो जब आप अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन के बाद जनरल इंट्री पास करते हैं तो ये बुकीपिंग है आप जब जनरल एंट्रीज को आप फर्दर प्रोसीड करते हैं और आप उसे एज ए इंफॉर्मेशन यूज करने की कोशिश करते हैं उसकी अकाउंट इस बुक कीपिंग को आप अकाउंटिंग की शक्ल देना चाहते हैं तो फिर आपको अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन को प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा और आपको डबल एंट्री सिस्टम करना होगा तो हम ये क्लियर कर चुके हैं अभी तक कि बुक कीपिंग इज जस्ट अ क्लैरिकल साइड ऑफ अकाउंटिंग ये सिर्फ अकाउंटिंग की एथीमेटिकल एरिया है क्लैरिकल साइड है जहाँ आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो यहाँ इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाती जैसे मैंने कहा कि प्रोपराइटर को देखें अगर एक शॉपकीपर को देखें उसे क्लियर वो ये नहीं करता कि मैंने कितनी इन्वेंट्री सेल की है वहाँ से कैश कितने लोगों ने दिया और कितना कैश मुझे फ्यूचर में मिलना है कितनी मैंने क्रेडिट पे स्टॉक्स सेल किया है कितना कैश पे सेल किया है अगर इन तमाम टर्म्स को वो अप्लाई करे या रिकॉर्ड करे तो उसे फिर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना होता है और अगर ऐसा किया जाए अकाउंटिंग को अगर फॉलो किया जाए तो आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ प्रॉफिट लॉस सिचुएशन एसेट्स लाइबिलिटीज ऑन इक्विटी यानी बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको यहाँ प्रोसीड uh, हो सकेंगी जिसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं इंटरप्रिटेशन कर, कर, कर सकते हैं ये हमने देखा सिंगल एंट्री सिस्टम के कुछ भी साथ डिस्कस अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं कि वॉट इज डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर्स दैट फॉर एवरी सिंगल डेबिट एंट्री और हमने पॉइंट ये कहा के जब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं और मॉडर्न अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करती है आज जो ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रही है या करती हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं आप लोग तो आप फिर किसी भी बिजनेस की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स देख सकते हैं प्रॉज और कॉन्स दोनों डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे डेबिट को अगर मैं कहूँ कि डेबिट मींस व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट मींस व्हाट कम्स आउट क्या कि बिजनेस को फायदा हो रहा है तो आप डेबिट करते हो औरों को फायदा हो रहा है यूजर्स को एक्सटर्नल पार, एक्सटर्नल पार्टीज को तो आप फिर क्रेडिट कर देते हैं द डबल एंट्री सिस्टम इंश्योर्स दैट फॉर एवरी सिंगल डेबिट एंट्री कि कोई अगर डेबिट एंट्री हुई है तो आपको क्रेडिट इफेक्ट भी नजर आएगा ऐसी ट्रांजेक्शन में वाइल एवरी क्रेडिट एंट्री इज कम्प्लीटेड बाई सिमिलर डेबिट एंट्री अगर आप क्रेडिट एंट्री कर रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि कैश पेड अगेंस्ट सैलरीज तो आपने कैश तो पे किया है कैश क्रेडिट करेंगे आप लेकिन सैलरीज यहाँ डेबिट होंगी फिर और ये डबल एंट्री सिस्टम है बट ये बुक कीपिंग है अभी लेकिन जैसे बुक कीपिंग को मैं क्लासिफाई करूँगा तो अब मैं अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा हूँ अब मैं अकाउंटिंग की तरफ जा रहा हूँ मीन्स दैट ईच एंट्री हैज़ एन अपोजिट एंट्री हर एक एंट्री अपनी अपोजिट ट्रांजैक्शन ये एंट्री देगी आपको हर डेबिट का क्रेडिट होना जरूरी है दिस इज अ डबल एंट्री सिस्टम तो अभी तक हमने बुक कीपिंग की डेफिनेशन डिस्कस की अब देखें बुक कीपिंग में क्या-क्या एक्टिविटीज क्या होती हैं ये भी हमें क्लियर कर लेना चाहिए बुक कीपिंग कंपराइजेस ऑफ लॉट ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज बंडल्ड टुगेदर सम सच एक्टिविटीज आर रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पहला पॉइंट तो ये हो गया बिजनेस आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जब आप जर्नलाइज करते हैं जर्नल बुक का पार्ट बनाते हैं जो आप प्रीवियस न्यूमेरिकल लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं देख चुके हैं तो ये तो आपका बुक कीपिंग प्रोसेस है तो फर्स्ट तो ये बुक कीपिंग को सकते हैं बुक कीपिंग की एक्टिविटीज में या फंक्शन में एक फंक्शन ये भी है कि आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए पोस्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट इन रिस्पेक्टिव लेजर्स अब आप जब लेजर में ले जाएंगे डेबिट क्रेडिट की अब बुक कीपिंग जब लेजर में ले जाएंगे और लेजर आपको फर्दर आउटपुट देगा तो अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन लेजर में जाना आपके लिए बुक कीपिंग है बुक कीपिंग ने ही हेल्प आउट किया एक अकाउंटेंट uh, को यानी अकाउंटेंट जब तक बुक कीपिंग ना करे तो वो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को अकाउंटिंग को एज अ बिजनेस लैंग्वेज या अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकता अकाउंटिंग को एज अ इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकता तो बुक कीपिंग इज अ मस्ट फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज इनवाइस एक और पॉइंट ये भी है कि आप जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वॉचर्स हैं इनवाइस हैं लेजर हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं अकाउंटिंग एविडेंसेस हैं बुक कीपिंग एविडेंसेज हैं अकाउंटिंग बुक्स हैं ये भी मेंटेन करना बुक कीपिंग की फंक् बुक कीपिंग की फंक्शनैलिटी है फंक्शन है एक्टिविटीज़ हैं बुक कीपिंग की और एक बुक कीपर को एक अकाउंटेंट को ये ड्यूटी ये रिस्पॉन्सिबिलटी भी फुलफिल करनी पड़ती है कि वो अकाउंटिंग की इनवाइस या सोर्स डॉक्यूमेंट्स को भी प्रॉपर की फाइलिंग करें पेरोल अकाउंटिंग एंड अन कीप अप कीप मे ऑल्सो भी क्लब्ड इन विद बुक कीपिंग और जब आप पेरोल अकाउंटिंग करते हैं जब पेरोल अकाउंटिंग मीन्स के वेजेस से रिलेटेड वेज शीट बनाई जाती है सैलरी शीट बनाई जाती है पेरोल्स बनाए जाते हैं तो ये भी बुक कीपिंग की एक्टिविटीज हैं तो अब तक हमने बुक कीपिंग को क्लियर कर लिया अब देखें एक स्लाइड मेरे सामने जहाँ हम डिफरेंस डिस्कस कर सकते हैं बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग फर्स्ट मेरे पास पॉइंट है कि बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन लॉजिकल फैशन पहला पॉइंट ये क्लियर कर लें कि बुक कीपिंग में मीन्स के टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स यहाँ आप बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं क्लैरिकल वर्क कर रहे होते हैं आप जो एक क्लर्क भी कर सकता है जो एक पर्टिकुलेट uh, पर्सन भी कर सकता है जरूरी नहीं है कि ये अकाउंटेंट हो अकाउंटिंग ग्रेजुएट हो इसी तरह अकाउंटिंग में देखा जाए तो अकाउंटिंग कंसर्न इज सच रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स लेकिन अकाउंटिंग का फंक्शनैलिटी ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बुक कीपिंग करने के बाद रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग करने के बाद आपको रिकॉर्ड्स को समराइज करना होता है और समराइजिंग समराइजिंग या समराइजेशन जो है यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये अकाउंटिंग का फंक्शन है यहाँ आप अकाउंटिंग की तरफ चले जाते हैं फिर

जैसे हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग तो और क्लासीफिकेशन तो बुक कीपिंग हो रही है पोस्टिंग करना अकाउंट्स बनाना तो जैसे आपने रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग आपको हेल्प आउट करेगी लेजर तो ये स्टेज हो गई बुक कीपिंग जब आप लेजर में चले गए और लेजर को रूल ऑफ किया बैलेंस मिलेगा हमें और हम समराइजेशन की तरफ जाएंगे तो ये अब अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो बुककीपर जरूरी नहीं है अकाउंटेंट हो बट अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट का होना जरूरी है जिसे अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्लियर हो अकाउंटिंग मेथड्स क्लियर हो टेक्निक्स क्लियर हो सेकेंड जो डिफरेंस है वो ये है कि इट इज द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हाँ ये जरूरी है कि आप बुक कीपिंग किए बगैर अकाउंटिंग नहीं कर सकते यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग में तो है आपके पास लेकिन में कोई अकाउंटिंग नहीं है को आप अकाउंटिंग नहीं कह सकते लेकिन अकाउंटिंग अकाउंटिंग में हो रही होती है के लिए बुक कीपिंग का होना जरूरी है लेकिन बुक कीपिंग अगर हो रही है जस्ट बुक कीपिंग हो रही है तो वो अकाउंटिंग नहीं है फिर अकाउंटिंग इज द बेसिस फॉर बिजनेस लैंग्वेज और हम एक डेफिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली के अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो अब हम ये क्लियर कर रहे हैं कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग बिजनेस को पोर्ट्रे करती है एक बिजनेस को आ, को शोकेस करती है और जब आप बिजनेस के लिए स्नैपशॉट है अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और जब आप बुकिपिंग को देखते हैं तो बुक कीपिंग जस्ट वॉचर्स को रिकॉर्ड करने का नाम है

फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे आप फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं और इसीलिए तो हमने कहा कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अब देखें कि बुक कीपिंग को डिस्कस करें तो मैनेजर्स डू नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि अगर आप किसी बिजनेस किसी कंपनी के मैनेजर हैं मैनेज कर रहे हैं आप या आप ओनर हैं या स्टेक होल्डर हैं तो आपके पास सिर्फ एक आपके सामने बुक बुक्स पढ़ी हो रिक, सिर्फ रिकॉर्ड पढ़ाओ आ, बुक कीपिंग रिकॉर्ड तो आप क्या उसकी बेसिस पे कोई फैसला क्या कर पाएंगे कि इस बिजनेस की पोजीशन क्या है ये क्या प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है इस बिजनेस में फर्दर डिस क्या लेनी चाहिए आप अप्रेजल कैसे करेंगे आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे आपके एसेट्स की वैल्यूएशन क्या चल रही है कौन कौन से अंडर वैल्यूटेड जा रहे, रहे हैं कौन से जा रहे हैं सॉलेज में जा रहे हैं है, तो ये आप फैसला नहीं कर सकते लेकिन अकाउंटिंग में देखा जाए तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर यूज मैनेजर डिसीजन और अगर आप अकाउंटिंग का जो ऑबजेक्टिव देखें तो ऑबजेक्टिव ये है कि जब आप अकाउंटिंग कर लेते हैं तो अकाउंटिंग की बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने होती हैं अब आप आपको क्लियर हो जाता है पिक्चर क्लियर हो जाती है बिजनेस की कि आपके एसेट्स की वैल्यू क्या चल रही है लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है ओनर uh, इक्विटी की वैल्यू क्या है बिजनेस के रिजर्व क्या चल रहे हैं बिजनेस पे अब्लिगेशन कितनी हैं या आप बिजनेस के एक्सपेंसिस क्या रहे रेवेन्यूज क्या रही आप प्रॉफिट सिचुएशन में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं या ब्रेक इवन पे हैं तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं ये ये आ, डिसीजन मेकिंग में आपको अकाउंटिंग हेल्प आउट करती है नेक्स्ट डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग हैव एनी ब्रांचेस बुक कीपिंग आप बात करें तो बुक कीपिंग में आप नहीं कह सकते कि इसकी ब्रांचेज हों जैसे अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग गवर्नमेंटल अकाउंटिंग फॉरेंसिक अकाउंटिंग लेकिन अगर आप बुक कीपिंग में जाए तो बुक कीपिंग इज जस्ट कीपिंग या सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं तो आप इसको इसकी कोई ब्रांचेज आपको नजर नहीं आएंगे और इसी तरह बुक कीपिंग का लास्ट हम देख सकते हैं कि इट इज डन बाय बुक नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल नॉलेज ये बुक कीपर कर सकता है एक लेमैन कर सकता है एक Uh, क्लर्क कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन अगर आप अकाउंटिंग uh, में जाएं तो वहां स्पेशल uh, स्किल्स का होना जरूरी है आप आज तक इससे पहले आपको नहीं था क्लियर कि व्हाट इज अकाउंटिंग और हाउ टू अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन लेकिन आज जब आप ये स्किल्स सीख रहे हैं तो अब आप देखें आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग स्किल्स को फॉलो करते हुए टेक्निक्स uh, को फॉलो करते हुए आप उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस डिस्कस किया अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो इसके क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो हम हर एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स

इनको फॉलो करते हुए आप रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द बिजनेस रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेकंड पॉइंट ये है कि आपको प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन क्लियर हो सकती है आपको बिजनेस की एसेट्स और इक्विटीज की लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटीज की बिजनेस के सोर्सेज और रिसोर्सेज की पोजिशन क्लियर हो सकती है किसी भी बिजनेस का कैश इन और कैश आउटफ्लो क्लियर हो सकता है बट On the basis of accounting. The second objective is profit and loss objective. Business is directly proportional to profits. It is all about earning profits. The accounting chart of profit and loss determines whether there is a profit or loss made in the business. The income and expenditure decide profit or loss. So, ab, next point here. कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इसकी बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट ले सकते हैं आपको क्लियर हो जाता है कि हम क्या प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉसिस में जा रहे हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या जो ऑब्जेक्टिव से जो एस्टिमेट्स थे जो बजटरी स्टैंडर्ड्स थे क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आप वो लॉस क्या रीजनस हैं क्यों हो रहे हैं कहाँ कंट्रोलिंग करनी चाहिए कहाँ प्रॉपर कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए तो ये आप सिर्फ अकाउंटिंग की ही बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटीज आर अ वेरी क्रुशियल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर अ फर्म टू फंक्शन स्मूथली देन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल द रिकॉर्ड होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट अ फर्म अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज एलॉन्ग इट्स टाइमिंग हैज इट बिकम्स ईजी टू मैनेजमेंट टू टेक नोट ऑफ डिटेल्स बिफोर पुटिंग इन मनी जब आपको ये क्लियर रहता है यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स रिसोर्स मींस कि आपको करंट uh, एसेट्स की पोजीशन क्लियर रहती है एसेट्स की पोजीशन क्लियर हो तो अब आप, आप देखते हो कि करंट एसेट्स में कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कैश की पोजीशन क्या है अकाउंट रिसीवेबल्स कितने रिकवर हो गए नॉट रिसिवेबल की क्या पोजीशन है बिल्स रिसीवेबल की क्या पोजीशन है कब मेच्योर होंगे और कब रिसीव होंगे फिर फिक्सड एसेट्स कौन से हैं जो वीक हो रहे हैं फिक्सड एसेट्स कौन से हैं जो आपको लॉस में ले जा रहे हैं कौन से फिक्स एसेट्स हैं जिनको जिनकी रिन्यूअल की ज़रूरत है एसेट की डिप्रिसिएशन क्या है यानी उनका डिक्रीज या इनक्रीज़ कहाँ जा रहा है तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होती है अकाउंटिंग से जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि बुक कीपिंग में आपको नहीं क्लियर रहता कि आपके बिज़नेस का आउटपुट क्या है लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो अब आपको क्लियर हो जाता है कि बिजनेस आपको एक इंफॉर्मेटिव टूल है अकाउंटिंग जो क्लियर कर रही होती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपनी अगर कंपेटिटर्स को देखें इंडस्ट्री को देखें तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपके एसेट्स की पोजीशन क्या है कौन से एसेट्स आपके फर्दर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो ये आपके पास थर्ड uh, ऑब्जेक्टिव था यानी हमने कहा कि मेंटेनिंग द रिकॉर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सेकंड हमने कहा टू शो प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन इसी तरह हमने कहा कि यूटिलिटी ऑफ तो आपको रिसोर्सिस की पोजिशन अकाउंटिंग करने से क्लियर हो जाती है इसी तरह सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ एस्टिमेट कर सकते हैं आपको ये क्लियर रह जाता है कि आज अगर हम यानी अगर किसी ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में या हाफ़ ईयर कंप्लीट होने के बाद जहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो अगर इसी तरह बिजनेस में कंटिन्यूटी रही तो बिजनेस कहाँ होगा फ्यूचर में आपकी पोजीशन क्या होगी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रही हैं या नहीं हो रहे तो ये आपको क्लियर करती है अकाउंटिंग और हम कह रहे हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस A business person is not only interested in knowing the profit losses of his business, but he also wants to know how much he owes to his creditors and how much he has to pay to his uh, debtors. अब आपको clear हो रहा होता है कि आप अपने creditors को यानि account payable को आपको कितना pay करना है, जैसे हमने liabilities को discuss किया कि आप पे current liabilities क्या हैं, fixed liabilities की uh, का burden कितना आ रहा है आप पे। इसी तरह ये भी क्लियर रहता है कि आपने रिसीव कितने करने अकाउंट रिसीवेबल से बिल्स रिसीवेबल से नोट रिसीवेबल से तो आपको इन टाइम ये क्लैरिफिकेशन मिलती रहती हैं अलर्ट्स मिलते रहते हैं जैसे जैसे मिच्योरिटी टाइम करीब आता है कि हाँ इस मंथ हमने ये बिल देने हैं नेक्स्ट वीक में हमने ये पेमेंट करनी है नेक्स्ट वीक में हमने इन लोगों को पेमेंट करनी है मंथ एंड पे हमने सर्विस देनी है सर्विस पेबल हो जाएंगे फर्स्ट वीक uh, में, में हम सैलरी पेबल होते हैं कितनी पे करनी है हर वीकेंड पर हम वेजेस पेबल होते हैं कितनी देनी है यह तमाम पोजिशन जिसे हम कह सकेंशियल पोजिशन क्लियर रहती है आपको जिसे हमने कहा बट आल्सो एंडिटर्ज अकाउंट पेबल और डेटर For this purpose, the prepares, he prepares a statement in which all such details are recorded. This statement is known as balance sheet. a balance sheet? Is the sheet of assets, liabilities and owner equities. A balance sheet is a snapshot of business. A balance sheet is a statement which shows the position of assets

इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर लेना चाहिए हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं अगर प्रॉफिट में हैं तो उसको किस तरह यूटिलाइज करना है किस तरह मेंटेन करना है में आप अगर जा रही हैं तो लॉस को किस तरह कंट्रोल करना है कैसे हैंडल करना है अब किस में क्या डिसीजन लेना है अगर तो कैसे चलना है तो ये तमाम डिसीजन जो हैं ये अकाउंटिंग में ही आप कर सकते हैं सकते हैं विद हेल्प ऑफ

एविडेंसेस आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपको बिज आपका बिजनेस कहां स्टैंड कर रहे हमारे तो पास आ, कुछ बेसिक टॉपिक थे अकाउंटिंग से रिलेटेड जहां क्लियर करना जरूरी था कि व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन और इसी तरह हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग अगर लेक्चर में कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं ज़रूर बताना थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़